हम आपको एबीपीएस न्यूज टीम के साथ जनपद सहारनपुर के ब्लॉक सरसावा में स्थित तेलीपुरा गांव में लेकर चलते हैं। लगभग 3000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 16 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी 7 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान सुरेशो हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। वर्तमान प्रधान ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव में 30 शौचालयों का निर्माण कराकर पात्रों को वितरित किए हैं। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी पाठशाला में लगभग 210 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, तालाब, खडंजा तथा स्कूलों में सड़क का निर्माण भी कराया है। वहीं पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 25 हैंडपंप लगवाए गए हैं तथा 5 और हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। बात अगर विद्युत व्यवस्था की जाए तो गांव में 80 विद्युत पोल, 6 विद्युत ट्रांसफार्मर व 16 लाइटें भी वर्तमान प्रधान द्वारा लगवाई गई हैं। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में शमशान घाट, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, पानी की टंकी, हाई स्कूल तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत 250 शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं प्रधानपति श्री चंद्रभान ग्राम पंचायत तेलीपुरा ब्लॉक सरसावा थाना चिलकाना तहसील सदर सहारनपुर और जनपद सहारनपुर का रहने वाला हूँ। सर मेरी पंचायत में एक मजरा पड़ता है मंडोरा, जो वर्तमान में यहीं से मैं प्रतिनिधित्व इसी गांव से कर रहा हूँ। ये तेलीपुरा पंचायत का गांव है और इस गांव में मंडोरा में सबसे बड़ी समस्या थी पानी की जल निकासी, क्योंकि जो तालाब था यहाँ से एक दबंग आदमी ने उसका कब्जा करके उसको प्लान करवाया था, तो मैंने कोर्ट में उसके खिलाफ केस लड़ा और सन 2007 से मैं उस केस की पैरवी कर रहा, जबकि मैं प्रधान नहीं था उस समय। वो तालाब मैंने मनरेगा के तहत करीब 100 आदमी लगा के, जिसने कब्जा कर रखा उसी गैर मौजूदगी में मैंने वो तालाब खुदवा लिया, क्योंकि वो वास्तव में तालाब है वहाँ से। और उसके बाद तालाब खुदवा कर मैं पूरी नालियाँ और नाले बना करके पूरे गांव का पानी उस तालाब में डाला। दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ से बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी, कोई ट्रांसफार्मर नहीं था और डेली बिजली खराब हुई रही थी। एक ही ट्रांसफार्मर था पूरे गांव का, वही ट्यूबवेलों का था, वही गांव की घरेलू बिजली का था। मैंने 2 ट्रांसफार्मर गांव में रखवाए और करीब 35-40 पोल लगवाए बिजली खंभे और पूरे गांव में केबल। गांव में प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय करीबन 4 फुट की गहराई थी और पानी भरा रहता था। मैंने उसमें मिट्टी भराव करवाया और इंटरलॉकिंग और उसके रास्ते बनवाए शीशी से। उसके बाद कुछ शीशी थी हमारे गांव में, शीशी डलवाई और तेलीपुरा में एक बस्ती नहीं बसी, उसके चारों तरफ पानी पानी था। मैंने उसकी निकासी ह्यूम पाइप 3 फुट चौड़ाई के व्यास के पाइप लगवा करके लाइन बनवाई उसकी और पानी की निकासी करवाई।